हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। मेरे फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो MPMRCL की तरफ से निकल कर आ रही है। डिप्लोमा बीटेक दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पैकेज 13 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर दे डिटेल्स नोटिफिकेशन की। पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जूनियर इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसमें फर्स्ट है सेक्शन इंजीनियर और जेई के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का BE/BTECH की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपके डिप्लोमा और BE/BTECH में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है जेई और सेक्शन इंजीनियर सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट है अगेन जूनियर इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वो यहीं पर मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। मेल जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 ईयर्स लेके 43 ईयर्स तक रहा गया है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 ईयर्स लेके 48 ईयर्स तक रहा गया है। अगर आप लोग MP के डोमिसाइल हो तो ही आप लोग को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, बट अगर आप लोग दूसरे स्टेट में से बिलोंग करते हो और इसके लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आप लोग को एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। इसमें सेक्शन इंजीनियर का जो पोस्ट है उसमें आप लोग का पे स्केल Grade 1 के हिसाब से यानी कि 35,000 से लेके 1,10,000 रहेगी, जिसमें बेसिक पे 35,000 और उसके साथ साथ आप लोगों को एलोवेंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल CTC 13 लाख का एनम मिल जाएगी। और JEE का जो पोस्ट है उसमें आप लोग का पे स्केल Grade 2 के हिसाब से यानी कि बेसिक पे 33,000 और उसके साथ साथ आप लोग को एलोवेंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल CTC 12 लाख का एनम मिल जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो सेक्शन इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग रेलवेज में काम कर रहे हो तो उस केस में आप लोग का मिनिमम पे स्केल लेवल 6 के हिसाब से होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग सुपरवाइजर Grade 1 में काम किए हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोग सुपरवाइजर Grade 2 में मिनिमम 3 साल के लिए काम किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट मेट्रो रेल सेक्टर या तो रेलवेज में काम किए हो तो उस केस में मिनिमम 4 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके साथ साथ अगर सैलरी 42,000 पर मंथ है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोग किसी भी प्राइवेट मेट्रो रेलवे सेक्टर या तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम किए हो तो उस केस में मिनिमम 4 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और उसके साथ साथ आप लोग का मिनिमम CTC 55,000 पर मंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सुपरवाइजर Grade 2 पे काम किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट मेट्रो रेलवे सेक्टर या तो रेलवेज में काम किए हो तो उस केस में मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और आप लोग का CTC 40,000 पर मंथ होनी चाहिए। और अगर आप लोग किसी भी प्राइवेट मेट्रो रेलवे सेक्टर या तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम किए हो तो उस केस में अगर मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोग का मिनिमम CTC 50,000 पर मंथ होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस के साथ साथ अगर आप लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो तो ही इसके एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 15 फरवरी 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज अपलोड करना होगा वो यहीं पर मेंशन है, तो आप लोग आपके सब चेक कर लेना। उसके अलावा अगर आप लोग का किसी भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप लोग इसी फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोगों का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो हर एक कैटेगरी के लिए 170 प्लस 18% GST यानी कि
₹200 एप्लीकेशन फी रहा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोगों को ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और उसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।